नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फ्लिपकार्ट के ऊपर बिग सेविंग डे नाम की सेल स्टार्ट हो चुकी है। और दोस्तों, इस सेल में हमें काफ़ी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं काफ़ी अच्छे कीमत पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रियलमी के स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों, इस सेल में हमें रियलमी के जितने भी स्मार्टफोन हैं उनमें दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को जितना बजट है उस हिसाब से दोस्तों वो फ़ोन इस लिस्ट से खरीद सकते हो। क्योंकि दोस्तों, इस लिस्ट में मैं आपको 7,000 रुपये से लेके 30,000 रुपये तक के फ़ोन के बारे में बताऊंगा जो आपको इस सेल में मिलने वाले हैं काफ़ी अच्छी प्राइस पर। क्योंकि दोस्तों, इस सेल में हमें सेल का डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस दोस्तों 10% का बैंक डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो हमें दोस्तों डबल डिस्काउंट देखने को मिल रहा है इस सेल के अंदर। तो जिन लोगों को रियलमी के फ़ोन काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी पसंद आते हैं, वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें। क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 7,000 से 30,000 रुपये तक के फ़ोन बताऊँगा रियलमी के, जो आपको काफ़ी अच्छी कीमत में मिलते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको जो भी फ़ोन दिखाने वाला हूं उनके मैं सारे फीचर आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, अगर सारे फीचर मैं एक एक करके बताऊंगा हर फोन के बारे में तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी बोरिंग लगेगी। तो मैं आपको कुछ सिलेक्टेड फीचर बताऊंगा हर फोन के, जिससे दोस्तों आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 7,000 रुपये के अंदर की प्राइस के बारे में। दोस्तों, ये आता है रियलमी C11 2021। दोस्तों, इसकी प्राइस की बात करें तो ये फ़ोन आता है आपको 7,000 रुपये के अंदर। बट दोस्तों, जब आप इसको बैंक डिस्काउंट लगाते हो ICICI बैंक का, तो ये आपको 6,500 रुपये का मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें आपको 2GB रैम और 32GB मेमोरी मिलती है। और दोस्तों, डिस्प्ले की बात की जाए तो दोस्तों इसमें आपको काफ़ी अच्छी डिस्प्ले मिलती है। और दोस्तों, डिस्प्ले का साइज़ दोस्तों 6.5 इंच। तो दोस्तों, 6.5 इंच की जो डिस्प्ले मिलती है आपको 6,500 रुपये में। और दोस्तों, आप डिज़ाइन देख सकते हो काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है इस फ़ोन की। तो दोस्तों, 6,500 रुपये में वो रियलमी का C11 मिल रहा है 6,500 रुपये के अंदर सेल के अंदर। दोस्तों, नेक्स्ट डील की बात करूँ तो जो है दोस्तों रियलमी C21 दोस्तों, जिसकी प्राइस है 3GB 32GB वाली वेरियंट की 8,500 रुपये। तो दोस्तों, जी आपको 8,000 रुपये का मिल जाएगा बैंक डिस्काउंट लगा के। तो दोस्तों, इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर मिलते हैं। देखिए इसकी डिज़ाइन दोस्तों, देखने में दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है। और दोस्तों, इसका भी दोस्तों 6.5 इंच की इसमें डिस्प्ले दी गई है और कैमरे दोस्तों इसे काफ़ी अच्छे हैं, 5000mAh की इसमें बैटरी दी गई है। दोस्तों, आप इसकी तरफ जा सकते हो, 8,000 रुपये दोस्तों ये फ़ोन है। जिन लोगों का 8,000 रुपये का बजट है वो आप इस तो दोस्तों वो लोग इस फ़ोन को खरीद सकते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट फ़ोन की बात करता हूँ मैं तो वो दोस्तों Realme 8। दोस्तों, Realme 8 की दोस्तों ये प्राइस है वो दोस्तों 14,000 रुपये। देखिए 14,000 रुपये में दोस्तों आपको Realme 8 मिल रहा है, 4GB और 128GB वाला वेरियंट। तो दोस्तों, 14,000 रुपये इसकी प्राइस है। बट अगर आप इसमें बैंक डिस्काउंट लगाते हो तो दोस्तों ये आपको सिर्फ 13,250 रुपये का पड़ जाएगा। 13,250 रुपये में दोस्तों आपको 4GB और 128GB का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। अगर इसकी प्रोसेसर की बात की जाए तो इसमें आपको MediaTek का Helio G95 मिलता है, जो दोस्तों एक गेमिंग प्रोसेसर है। कैमरे दोस्तों इसको काफ़ी अच्छे हैं, जिसमें दोस्तों मेन कैमरा वो 64MP का, बैटरी 5000mAh की है और 6.4 इंच की फुल HD डिस्प्ले है दोस्तों, सुपर एमोलेड डिस्प्ले। दोस्तों, आपको अगर ये फ़ोन चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। अगर आपका बजट 13-13,500 रुपये के अंदर है तो आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो, रियलमी के फ़ोन की तरफ, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है और डिज़ाइन के मामले में दोस्तों ये काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए, अब दोस्तों नेक्स्ट डील की बात करें तो जी दोस्तों आती है Realme Narzo 30 Pro 5G। दोस्तों, जिन लोगों को एक 5G फ़ोन चाहिए और दोस्तों जिनका बजट सिर्फ 15,000 रुपये है, तो वो लोग इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों Realme Narzo 30 Pro 5G जो फ़ोन है, इसमें दोस्तों आपको Dimensity का 800U का प्रोसेसर मिलता है। वहीं दोस्तों आपको 120Hz की रेफ्रेश रेट देखने को मिलती है। और इसकी दोस्तों जो बैटरी और डिज़ाइन है दोस्तों वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छी होने वाली है। ये देखिए, इसमें दोस्तों आपको जो डिज़ाइन मिलती है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। ये देखिए, आपको काफ़ी अच्छा इसमें लुक मिलता है, डिज़ाइन मिलती है, डुअल 5G का सपोर्ट मिलता है, 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है और 48MP का दोस्तों इसमें रियर कैमरा मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको एक 5G फ़ोन चाहिए रियलमी की तरफ से 15,000 रुपये में, तो दोस्तों आप इसकी तरफ जा सकते हो। अब दोस्तों, नेक्स्ट डील की बात करता हूँ मैं तो वो दोस्तों रियलमी की तरफ से काफ़ी तगड़ी डील जो है दोस्तों Realme 7 Pro। जी हाँ दोस्तों, Realme 7 Pro जिसकी प्राइस है दोस्तों 20,000 रुपये होती है, 6GB और 128GB वाले वेरियंट की। बट ये दोस्तों आपको इस सेल में सिर्फ 16,000 रुपये का मिल रहा है। अगर दोस्तों आप इस फ़ोन को, ये देखिए अब मेरे एड्रेस पर आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, दोस्तों अगर आप इसको
आईसीआईसी बैंक कार्ड से खरीदते हो तो दोस्तों ये सिर्फ आपको 15,249 रुपये में मिल जाएगा, जो दोस्तों मैं बोलूँगा काफ़ी तगड़ी डील है। क्योंकि भले ही दोस्तों ये 5G नहीं है, बट दोस्तों इसमें हमें जो प्रोसेसर मिलता है, बैटरी मिलती है, चार्जर मिलता है, वो दोस्तों काफ़ी अच्छा है। इसमें दोस्तों हमें स्नैपड्रैगन का 720G मिलता है, जो दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। 4500 mAh की बैटरी मिलती है दोस्तों। 65 वाट का एक चार्जर मिलता है, जो आपके फ़ोन को तकरीबन आधे घंटे में फुल चार्ज कर देता है। और दोस्तों लुक में भी दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है ये फ़ोन। ये देखिए, इसमें दोस्तों आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, और कैमरे के मामले में दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है, जिसमें दोस्तों आपको मेन कैमरा मिलता है वो दोस्तों 64 MP का, जिसमें दोस्तों आपको सोनी का IMX सेंसर मिलता है। तो दोस्तों ये जो फ़ोन है ये काफ़ी तगड़ा है। इसमें दोस्तों आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, आप देख सकते हो। मैं भी दोस्तों इसी फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ, इसमें आप जो आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ जी इसी फ़ोन से, दोस्तों इसी फ़ोन में आपको दिखा रहा हूँ जी। मेरे पास Realme 7 Pro ही है। तो दोस्तों अगर आपको ये फ़ोन चाहिए तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हो। अगर आपका बजट 15,000 रुपये है, और दोस्तों आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो काफ़ी हल्का हो, काफ़ी छोटा हो, और देखने में दोस्तों काफ़ी प्रीमियम लगे, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट डील की बात करें जो आती है दोस्तों Realme के एक और फ़ोन के ऊपर। तो दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं जिनको Realme के लेटेस्ट डिवाइस अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों Realme 8 Pro जो Realme 7 Pro का सक्सेसर है, बट दोस्तों मुझे ये कहीं से भी सक्सेसर नहीं लगता। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जिनको एक ऐसा फ़ोन चाहिए होता है जो नई डिज़ाइन का हो, और दोस्तों नया लॉन्च हुआ हो, तो आप इस तरफ जा सकते हो। ये आपको 70,000 रुपये का मिल रहा है, लेकिन दोस्तों अगर आप इसको ICICI बैंक कार्ड से खरीदते हो तो जी आपको 16,000 रुपये का मिल जाएगा। दोस्तों इसमें कैमरे की बात करें तो इसका दोस्तों मेन फीचर है वो दोस्तों इसका कैमरा, जिसमें दोस्तों आपको 108 MP का कैमरा मिलता है। और बाकी दोस्तों जो भी फीचर हैं वो सेम Realme 7 Pro जैसे हैं, बट दोस्तों इसकी डिज़ाइन थोड़ी अलग है। तो काफ़ी लोगों को दोस्तों ये डिज़ाइन पसंद आएगी, ये देखिए, और काफ़ी लोगों को दोस्तों ये डिज़ाइन पसंद नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों इस पर काफ़ी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है Dare to Live, जो काफ़ी लोगों को दोस्तों अच्छा लगता है, और काफ़ी लोगों को दोस्तों ये डिज़ाइन पसंद नहीं आएगी। तो मेरी माने तो दोस्तों आप इन दोनों में से Realme 7 Pro और Realme 8 Pro में से Realme 7 Pro की तरफ जाएं, जो दोस्तों काफ़ी देखने प्रीमियम लगता है और काफ़ी अच्छा है। अब दोस्तों नेक्स्ट डील की बात करता हूं मैं, तो दोस्तों वो दोस्तों Realme का Realme X3 Super Zoom। तो दोस्तों जिन लोगों का बजट है 20-21,000 रुपये, वो लोग इस फोन पर जा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि दोस्तों ये जो फ़ोन है ये 5G नहीं है, ये सिर्फ 4G फ़ोन है। और दोस्तों इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 855 प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये जो फ़ोन है ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, और दोस्तों इसमें जो डिज़ाइन दी गई है वो काफ़ी अच्छी है, ग्लास बॉडी दी गई है पीछे। तो अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसकी प्राइस दोस्तों 21-22,000 रुपये हो, और दोस्तों Realme का काफ़ी अच्छा फ़ोन हो, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। बट दोस्तों इसकी दोस्तों डिस्प्ले है वो IPS डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करता हूँ नेक्स्ट डील की, जो दोस्तों Realme की X50 Pro के ऊपर। दोस्तों Realme का X50 Pro 5G फ़ोन जी आपको इस सेल में 25,000 रुपये का मिल रहा है, और बैंक डिस्काउंट लगाते हो तो ये फ़ोन आपको और कम कीमत में मिल जाएगा। दोस्तों इसकी प्राइस की बात करें 25,000 रुपये है, और इसमें दोस्तों आपको 5G सपोर्ट मिलता है, स्नैपड्रैगन का 865। दोस्तों इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, डुअल सेल्फी कैमरा दिया गया है, 6GB और 128GB वाला वेरियंट दिया गया है, 8GB और 128GB वाला वेरियंट दिया गया है। तो दोस्तों आप इस फोन पर जा सकते हो, इसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर मिलते हैं। जी दोस्तों मेरे एड्रेस पर अवेलेबल नहीं है फिलहाल, बट अगर आपके एड्रेस पर जी अवेलेबल है और आपका बजट 25,000 रुपये है, तो दोस्तों आप इस फ़ोन को बिना टेंशन ही खरीद सकते हो। क्योंकि दोस्तों Realme का X50 Pro फ़ोन दोस्तों काफ़ी प्रीमियम फ़ोन है, और दोस्तों ये पहले 30,000 रुपये से ऊपर था, बट अभी जी आपको 25,000 रुपये में मिल रहा है। अब दोस्तों बात करता हूँ मैं नेक्स्ट डील की, तो वो दोस्तों Realme X7 Pro 5G। दोस्तों इसकी प्राइस वैसे 28-29,000 रुपये होती है, बट सेल में जी आपको मिल रहा है 27,000 रुपये का। और वहीं दोस्तों अगर बैंक डिस्काउंट लगाते हो तो ये आपको सिर्फ 26,250 रुपये का मिल जाएगा। दोस्तों इसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर दिए गए हैं। दोस्तों ये आपको मिलता है 8GB और 128GB कॉम्बिनेशन के साथ। इसमें आपको दोस्तों 65 वाट का फास्ट चार्ज मिलता है, सोनी का कैमरा मिलता है, मेन कैमरा सोनी का है इसका, 4500 mAh की बैटरी है, और दोस्तों डुअल 5G का सपोर्ट है। और दोस्तों इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको डायमेंसिटी का 1000+ दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है डायमेंसिटी का, आप इसकी तरफ भी जा सकते हो। अगर आपका बजट 27-28,000 रुपये है तो दोस्तों आप इसकी तरफ जा सकते हो, और बैंक डिस्काउंट लगाते हो तो ये आपको 26,500 की कम कीमत में मिल जाएगा। तो दोस्तों जितने ही फ़ोन मैंने आपको बताए हैं सब अलग अलग प्राइस पर बताए हैं, तो आपका जितना बजट है, जो बजट आपका है, आप उसी हिसाब से इनमें से कोई सा फ़ोन ले सकते हो। और दोस्तों मैं आपसे इस Realme की दोस्तों जो सेल है इसमें दोस्तों आपको जो टॉप फ़ोन मुझे लगे काफ़ी अच्छे लगे वो हैं दोस्तों
Realme 7 Pro और दोस्तों Realme X50 Pro 5G। दोस्तों ये दोनों फ़ोन मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं इस सेल के अंदर। Realme 7 Pro की प्राइस है दोस्तों 15,000 रुपये बैंक डिस्काउंट लगा के, और Realme X50 Pro की प्राइस है दोस्तों 24,000 रुपये बैंक डिस्काउंट लगाने के बाद। तो अगर आपका बजट 15,000 रुपये है तो आप Realme 7 Pro ले सकते हो, और दोस्तों अगर आपका बजट 24,000 रुपये है तो आप Realme X50 Pro ले सकते हो। जो दोस्तों मुझे ये तो फ़ोन काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लगे हैं आज की डेट में इस सेल के अंदर। नहीं तो दोस्तों आपको इनमें जो सा भी फ़ोन पसंद हो जो मैंने आपको बताए हैं आप उनमें से कोई सा भी कह सकते हो अपने प्राइस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों मैंने इस लिस्ट में वो सारे फ़ोन आपको बताए हैं जो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है इस सेल के अंदर। रियलमी दोस्तों वैसे काफ़ी फ़ोन है, बट मैंने आपको सिर्फ वही फ़ोन के बारे में बताया जो फ़ोन मुझे काफ़ी अच्छे लगे प्राइस के हिसाब से। तो दोस्तों जितना आपको बजट है आप उस हिसाब से इस सेल से वो फ़ोन दे सकते हो जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।